अस्सलाम वालेकुम मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ खैर मकदम करता हूँ वेलकम करता हूँ आपके अपने ही यूट्यूब चैनल GS Online ऑनलाइन पर एक दफ़ा आप तमाम हजरात ये बताइए हमारी ऑडियो और वीडियो आपको क्लियर मिल रही है जी जितने भी लोग जुड़े हैं एक बार बताएं जी सभी का साथियों स्वागत है वेलकम है खुश आमदीद है देखिए अगर मैं बात करूं आज के इस टॉपिक के बारे में इस टॉपिक को आज मैं पढ़ाने वाला हूं उस टॉपिक का नाम है तारीख़ ज़बान उर्दू हिंद आर्याई की मुख्तसर तारीख जिसमें हम कदीम हिंद आर्याई और ये वस्ती हिंद आर्याई जदीद हिंद आर्याई ये क्या होता है इसको मैं पढ़ाऊंगा पराकृत अपभ्रंश ये सब पढ़ाऊंगा उसके बाद साथियों जो पूरी जबान के खानदान है उसको भी पढ़ाऊंगा ये क्लास किन के लिए बेहतर है पहले वो आप जान लीजिए ये क्लास सबसे पहले जो लोग सी टैट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये क्लास नहीं है हरगिज गिज हरगिज आप अपना टाइम बर्बाद न कीजिए आप इसी वक्त साथियों इस वीडियो को देखना छोड़ दीजिए सी टैट वालों के लिए क्लास नहीं है इसलिए मैं बता रहा हूँ कि बहुत लोग परेशान होते हैं थमनेल वगैरह पढ़ते नहीं आ जाते हैं ठीक है ना उसके बाद अगर मैं बात करूँ यूपी टी के लिए है ये क्लास वालों के लिए भी है डी त्रिपल एस का जो पीजीटी का है उसके लिए भी है टीजीटी के लिए भी है एनवीएस वालों के लिए भी है यूजीसी नेट वालों के लिए भी है क्योंकि पहला जो आपका यूनिट है लिसानियात उसी से है ये तो ये क्लास उर्दू के अच्छे जो एग्जाम होते हैं हायर एग्जाम उसके लिए आपको ये काम आएगा ठीक है ना और इसके कई पार्ट आएंगे तब आपको ये समझ में आएगा आज वाला पार्ट एक कल एक परसों तीन पार्ट आने के बाद तब एक टेस्ट लगेगा पचास साठ क्वेश्चन का तब आपको चीजें और भी अच्छे ढंग से समझ में आएंगी ठीक है ना ये लिसानियात से है चलिए शुरू करें वीडियो को सभी का मोस्ट वेलकम है साथियों स्वागत है जी चलिए एक बार बताइए आप लोग शुरू करें हम जिन लोगों ने भी वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा ठीक है चलिए देखते हैं सबसे पहले जानते हैं हिंद आर्याई की मुख्तर तारीख देखिए एक ये कौम है अपने यहां जो हिंदुस्तान है इसकी तारीख बहुत पुरानी है ठीक है ना इसमें जो साथियों कहा जाता है कि वो कौम जो सब जिसका हिंदुस्तान पे कब्जा था जो असल हिंदुस्तानी है वो साथियों आदिवासी है ठीक है ना उसके बाद आर्या लोग आए और आर्या लोग ने उनको साथियों पीछे धकेला और वो लोग यहाँ पर काबिज़ हो गए आर्या लोग को ज़मीन खोद कर साथियों खेती करने आता था और वो तरह तरह के फिर टेक्नोलॉजी आगे बढ़ते गए तो इसलिए कहा जाता है उसके बाद फिर मुसलमानों का यहाँ पर क्या हुआ साथियों आना शुरू हुआ तो खैर मैं आ, आ, उतने डिटेल में पीछे नहीं जाऊँगा मैं बात करूँगा कि आपको टू द पॉइंट एग्जाम के दृष्टिकोण से क्या क्या पूछा जाता है देखिए पच्चीस सौ कबल मसीह कबल मसीह क्या होता है पहले आप इसको जान लीजिए अभी जैसे चल रहा है दो हज़ार साथियों बाईस चल रहा है तो ये दो हज़ार बाईस क्या है कि ईसा सलात सलाम जब पैदा हुए उस वक्त एक ईस्वी था उस वक्त से लेकर अब तक साथियों दो हज़ार साल ईसा सलाम को हो गया यानी ईसा आसलाम की पैदाइश से यह ईस्वी शुरू हुआ है तो उससे पहले क्या था तो उससे पहले भी कोई गिनती रही होगी उसको नहीं आमतौर पे गिना जाता तो उसको कबले मसीह बोलते हैं क्या बोलते हैं कबले मसीह यानी ईसा आल इस्लाम के पैदा होने से पहले का जमाना ईसा के पैदा होने से पहले का जमाना ठीक है ना अब आप देखिए क्या कहा जा रहा है एक एक पॉइंट को देखिएगा और मैं पॉइंट को हाईलाइटेड भी करता चलूंगा ताकि साथियों आपको दिक्कत ना हो जो एग्जाम में पूछा जाता है हिंद आर्याई की मुख्तसर तारीख में कहा जा रहा है पच्चीस सौ कबल मसीह के करीब क्या यानी ईसाई इस्लाम पैदा हुए तो एक ईस्वी हुआ उससे भी 2500 साल पहले की बात हो रही है देखिए क्या यानी कितनी पुरानी तारीख 2500 सौ कबल मसीह के करीब हिंदुस्तान पर आर्या नस्ल के लोगों ने हमला किया किसने किया आर्या नस्ल के लोगों ने हमला किया उस वक्त पूरे हिंदुस्तान में दरावड़ी नामी नस्ल के लोग रहते थे किस नाम के लोग रहते थे दरावड़ी नामी, दरावड, नामी, दरावड़, ठीक है ना दरावड़ी नामी यानी 2500 सौ कबल मसीह हिंदुस्तान पर आर्या नस्ल के लोगों ने हमला किया तो उस लोगों ने जो हमला किया उस वक्त कौन सी नस्ल थी हिंदुस्तान पे दड़ावड़ी नामी ठीक है ना नस्ल के लोग आबाद रहते थे आर्याओं ने उनको जुनूब के जानब धकेल दिया और उन्होंने वहां अपनी बस्तियां बसा ली जुनूब का मतलब होता है दक्षिण की जानब यानी उसको दक्षिण की तरफ धकेल दिया और वो लोग वहां पर बस गए दरावड़ी दरावड़ी हिंदुस्तान के असल बाशिंदे हैं मैंने वही बोला ना इसी को आदिवासी बोले जाते हैं यही असल बाशिंदे हैं यहाँ के जी और जबकि आर्या तो वस्ती एशिया की जानब से हिंदुस्तान में आए थे यानी वस्त एशिया से वो लोग हिंदुस्तान आए और उन्होंने यहां से दड़ावड़ी को पीछे धकेल दिया जुनूब की जानब ये लोग बहुत से कबाइल में मुनकसिम हैं कौन आर्या लोग जो थे उनके अलग अलग कबाइल थे हर एक की अपनी अपनी जबान है लेकिन बुनियाद मुश्तरक है मतलब ये हुआ कि पच्चीस सौ कबले मैसी आर्या लोग हिंदुस्तान पर हमला किया और वो लोग लो यहाँ पर जो पहले से जो नसल आबाद थी दड़ावड़ी उसको जुनूब की जानब धकेल दिया और वो लोग लो यहाँ पर साथियों क्या हो गए काबिज़ हो गए और बस गए बस्तियां उन्होंने बसा ली अब होता क्या है कि जो आर्यायी आए थे उसके भी बहुत सारे कबीले थे हर कबीला के अलग अलग जबानें होती थी ठीक है ना लेकिन वो तमाम का जो मुश्तरक बुनियाद यानी वो सभी के सभी एक ही खानदान से थे वो आर्य खान नस्ल से थे ठीक है ना अब देखिए चीजों को सुनिएगा बेहतरीन ढंग से सुनिए तब आपको पूरा एक थ्योरी आपको मिल पाएगा अब जानते हैं जबान किसको बोलते हैं जबान आवाज और अल्फाज का मजमु है जबान हमारे एहसास जज्बात ख्याल को अदा करने का एक वसीला है वसीला का मतलब होता है कम्यूनिकेशन यानी जरिया है हम क्या सोचते हैं अपनी बात हम आप तक कैसे पहुंचा सकते हैं बीच में जो जरिया बनता है उसी को बोलते हैं जबान क्या बोलते हैं जबान बोलते हैं ठीक है अब देखिए जबान जमानो मकान जबान का मतलब होता है वक्त मकान का मतलब होता है जगह जबान जमानो मकान के एतबार से एक दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं उनकी सौती सरफी और नहवीं खसूसियात की बिना पर उन्हें माहिर लसानियात ने कुल आठ खानदानों में तकसीम किया है जो मंदरजा झैल है मतलब यह हुआ कि जबान जो है वो जमाने और मकान यानी जगह के एतबार से वो अलग अलग हो जाती है मान लीजिए हम लोग यहाँ बोलते हैं कुछ और जोग्राफ जोग्राफियाई दृष्टिकोण से आप साथियों यहां से 20 कोस के आगे जाएंगे 20 किलोमीटर आगे जाइएगा वहां की जबानें कुछ और होंगी तो पता चला कि जबान जो है वो जगह और वक्त के लिहाज से वो तब्दील होती रहती है पूरे माहिर लसानियात ने साथियों जे आ, जो भाषा विशेषज्ञ हैं उन लोगों ने पूरी दुनिया की जबानों को कुल आठ खानदानों में बांटा कितने खानदान में बांटा है आठ खानदान में बांटाए कौन कौन सी खानदान है पहले ये बात याद रखिए एग्जाम में यही पूछा जाता है कि ज़बान के कुल कितने खानदान है यह पूछा जाता है जबान के कुल कितने खानदान है या माहिर लिसानियात ने जबान को कुल कितने खानदानों में बांटा तो साथियों आठ खानदानों में कितने खानदानों में आठ खानदानों में अब उसके बाद आगे देखिए क्या होता है कि पहला खानदान जो है उसे बोलते हैं सामी खानदान क्या बोलते हैं सामी खानदान और दूसरा जो है आपका हिंद चीनी देखिए यह चैप्टर जो है ना थोड़ा सा टफ है लेकिन टफ नहीं होगा मेरा वादा है बस आप थोड़ा सा क्लास को सही से सुनिए माहिर लिसानियात ने आठ खानदानों में जबान को तकसीम किया पहला खानदान सामी खानदान दूसरा हिंद चीनी तीसरा है दड़ावड़ी और चौथा है मुंडा पांचवा है अफ्रीका की बांतू और छठा है अमरीकी सातवा है मलायाई और उसके बाद आठवा है हिंद यूरोपी क्या हिंद यूरोपी हमारी जो उर्दू जबान है वो यही हिंद यूरोपी से निकली है ठीक है ना तो हमने यह जाना कि माहिर लिसानियात ने जबान को कुल आठ खानदानों में बांटा है पहला है सामी खानदान हिंद चीनी मुंडा अफ्रीका की बातों अमरीकी मलायाई और हिंद यूरोपी अब उसके बाद आगे जानते हैं सामी खानदान क्या है सामी खानदान इस खानदान में बहुत सारी अहम जबाने आती हैं अरबी और इब्रानी इसी से निकली है जे ठीक है यह हो गया आपका खानदान क्या है खानदान इस खानदान से हिंदुस्तान की बहुत सी अहम जबानों का सिलसिला मिलता है यह जबान जुनूबी हिंदुस्तान में राइज है जुनूबी हिंदुस्तान का मतलब है कि जो साउथ में बोले जाते हैं नहीं बोलते हैं साउथ में जाइएगा तो आपको हिंदी नहीं समझ में आएगी वहां पे साथियों खान बोला जाता था पहले आपने सुना ना था ना कि 2500 सौ कबले मसीह जब आर्या लोग हिंदुस्तान पर हमला किए तो उस वक्त दरावड़ी खानदान के लोग यहाँ पर थे उनको उन लोगों ने जुनूब में धकेल दिया और फिर वो लोग यहाँ पर बस गए तो ये दरावड़ी खानदान जो है ये कहाँ पर पाई जाती है हिंदुस्तान में साथियों जुनूब की तरफ जुनूब का मतलब होता है दक्षिण की तरफ ठीक है ना जी अब इसमें जो है दरावड़ी खानदान में तमिल तेलुगु कन्नड़ मलयालम इसकी मशहूर शाखें हैं यानी इसी खानदान में वो जबान पाई जाती है ठीक है आप ये समझ गए कि दड़ावड़ी खानदान कहाँ पे पाई जाती है हिंदुस्तान के अंदर जुनूब में ठीक है ना तमिल तेलुगु कन्नड़ मलयालम ये इसी की शाखें हैं उसके बाद आगे देखिए आर्या हिंद व यूरोपीय जबान बोलते थे जो आर्या लोग आए थे जिन लोगों ने हिंदुस्तान पे हमला किया वो लोग साथियों हिंद व यूरोपीय जबान बोलते थे जो मशरक़ी और मगरबी दो हिस्सों में तकसीम हो गई यानी वो लोग जो यहां पर आए तो वो जो है साथियों वो दो हिस्सों में वो लोग बट गए कुछ लोग मशरक की तरफ गए कुछ लोग मगरब की तरफ गए कौन आर्या लोग और आर्या की जबान क्या थी हिंद व यूरोपी जबान क्या हिंद व यूरोपी जबान तो वो लोग दो गिरोह में बटे एक हो गया मशरकी और दूसरा हो गया मगरबी अब देखिए मगरब में जाने वाले आर्यों को किनीटम गिरोह क्या कनीटम गिरोह का नाम दिया गया कनीटम गिरोह किसको कहा गया जो लोग साथियों पश्चिम की जानव चले गए कौन आर्या लोग जिसकी यूरोप की यूनानी और वगैरह बात समझ में आ गई कि आर्या लोग जो है वो हिंद व यूरोपीय जबान बोलते थे उनके दो गिरोह हुए एक गिरोह जो है वो मगरब की जानी यानी पश्चिम की जानी चली गई और जो गिरोह पश्चिम की जानी गई उसको साथियों कनी, कनीटम गिरोह का नाम दिया गया और रोह जो है जिसकी है, जुबान है यूरोप की यूनानी जुबान है लैटिनी है और जर्मेनिक है ठीक है ना ये आप समझ गए उसके बाद नशरक की तरफ हिजरत करने वाले आर्यों को शितम गिरो, क्या ग्रुप के लोग कहा गया जो ईरान में ओस था और बाद में उसकी जदीद शक्ल फारसी वगैरह बोलते थे यानी जो लोग कहा आ गए पूरब की तरफ आए उसको शीतम ग्रुप बोला जाता था और फिर क्या होता है साथियों कि जो ईरान में वो उसी को ओस्ता और बाद में उसकी जो लेटेस्ट जो शक्ल है वो फारसी वगैरह है यहां तक आप समझ गए किसी को दिक्कत है जी जी ठीक है चले उसके बाद आगे देखिए शितम ग्रुप यानी जो मशरक की जानी बाई शितम ग्रुप के जो आर्या हिंदुस्तान में दाखिल हुए उन आर्यों की जबान संस्कृत कहलाई देखिए पूरे आपको एक लेखा जोखा यहाँ पे मिल रहा है कि दो ग्रुप थे आर्याओं के एक तो चले गए मगरिब की तरफ और एक आ गए मशरक की तरफ तो मगरिब की तरफ जो गए वो लोग जर्मिक लातीनी और यूरोप की जबान बोलने लगे और जो लोग साथियों मशरक की तरफ आए और मशरक की तरफ भी जो लोग आए तो वो फारसी ईरान की तरफ और जो लोग उसके जो आर्या हिंदुस्तान में दाखिल हुए उन आर्याओं की जबान क्या थी संस्कृत कहलाई क्या कहलाई संस्कृत जबान लाई क्या कहलाई तो संस्कृत किसकी थी की थी ठीक थी। है हिंदुस्तान में हिंद आर्याई जबानों के इरतका को तीन अदवार में तकसीम किया मतलब यह है कि जो लोग हिंदुस्तान में आए जो आर्या हिंदुस्तान में आए उनकी जो ज़बानें थी साथियों उस जबान को तो आप संस्कृत जबान थी लेकिन उसकी जो इर्तका हुई यानी उसका जो फरोग हुआ उसका जो विकास हुआ उसको तीन दौर में बांटा जाता है कितने दौर में बांटा जाता तीन दौर में एक दौर है कदीम हिंद आर्याई दूसरा है वस्ती हिंद आर्याई तीसरा है जदीद हिंद आर्याई फिर से मैं एक बात समझ आता हूं आपको कि पच्चीस सौ साल कबल मसीह बले मसीह का मतलब होता है ईसा आसम के पैदाइश से पहले हिंदुस्तान पर साथियों आर्याओं ने हमला किया और जो कौम यहाँ पे रहती थी वो दड़ावड़ी नस्ल की थी उसको जुनूब की जानब धकेल दिया दड़ावड़ी लोग यहाँ पर क्या हो गए काबिज़ हो गए दड़ावड़ी के भी दो ग्रुप थे एक ग्रुप जो है वो मगरब की जानब चले गए जो कि यूरोप की जबान लातनी यूनानी और जर्मिक ज़बान बोलने लगे और एक साथियों हो की तरफ जिसको शितम ग्रुप कहा गया और शितम ग्रुप ने भी साथियों जो लोग ईरान वगैरह में थे वो वहाँ की फारसी जबान और उसके यानी शितम ग्रुप के जो लोग हिंदुस्तान में आए आर्या उनकी जो साथियों ये थी जबान थी वो संस्कृत कहलाई क्या कहलाई संस्कृत कहलाई अब माहिर लिसानियात जो है हिंद आर्याई जबानों के इर्तिका इर्तिका का मतलब होता उसको जो कैसे कैसे वो बढ़ा उसके तौर पर उसको तीन भागों में बांटा मतलब कह सकते हैं कि संस्कृत की ही तीन भागों में बांटा पहला जो दौर है वो है कदीम हिंद आरियाई दूसरा है वस्ती हिंद आरियाई तीसरा है जदी दिंद आरियाई एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से यहां तक आपको तीन बातें पूछी जाएंगी पहली बात यह है कि जबान के कुल कितने खानदान है तो साथियों आपको याद रखना आठ खानदान माहिर लसानियात ने हिंद आर्याई जबानों को कितने भागों में बांटा तो साथियों तीन भागों में कितने हिस्सों में बांटा तीन हिस्सों में कौन कौन से कदीम हिंद आरियाई वस्ती हिंद आरियाई जदी दिंद आरियाई आर्याओं की जबान क्या थी तो संस्कृत थी क्या थी साथियों संस्कृत थी ठीक है ना चलिए नेट में काम आएगा जे. सीनेट में भी काम आएगा आपको ठीक है देखिए जो भी क्वेश्चन होंगे ना बाद में पूछेगा हम भी डिस्टर्ब न होंगे अभी हम आपको एक ही कोशिश है कि सारा पढ़ा दे और आपको सब याद करा दे मेरी यही कोशिश है अब देखते हैं कि माहिर लिशानियात ने जो साथियों हिंद आर्याई को इरतका के एतबार से तीन भागों में बांटा उसमें जो पहला हिस्सा है वो है कदीम हिंद आर्याई कदीम हिंद आर्याई जो है ये दौर 1500 सो कबल मसीह से 500 सौ कबल मसीह तक शुमार किया जाता यानी ये पूरा दौर जो है 1500 सो कबल मसीह से लेकर 500, यानी एक हजार साल का है कौन साथियों कदीम हिंद आर्याई पंद्रह सो कबल मसीह से लेकर पाँच सौ कबल मसीह तक आपको यह पूछा जाएगा कि कदीम हिंद आर्याई में कहा से कहा तक का दौर आता है तो पंद्रह सो कबल मसीह ले मसी से लेकर पांच सो कबल मसीह तक कहाबले मसीह से लेकर पांच सो कबल मसीह तक का दौर जो है वो कदीम हिंद आर्याई में आता है अब देखिए कदीम हिंद आर्याई दौर को माहिर लिसानियात ने दो हिस्सों में तकसीम किया ज्ञान ज्ञानचंद जैन का नाम सरे फहरिस्त आता देखिए बात फिर सुनिएगा आप भूल जाइएगा साथियों अगर आपको ये पूछा जाए कि कुल जबान की कितनी खानदान है आप कहिएगा आठ अगर आपको ये पूछा जाए उस आर्ट में से जो आर्या लोग हिंदुस्तान आए और हिंदुस्तान जो आर्य लोग हिंदुस्तान में आकर बसे उसकी ज़बान थी संस्कृत और उस आर्य की जबान के इरत के अतबार से माहर लिसानियात ने उस आर्य ज़बान यानी संस्कृत के इरता के अतबार से उसको तीन भागों में बांटा उस तीन भागों में जो बांटा तो एक दौर है कदीम हिंद आर्या दूसरा है वस्ती हिंद आर्या तीसरा है जदीद हिंद आर्य यादीब हिंद आर्या का जो दौर है वो 1500 सो कबले मसीह से लेकर 500 सौ कबले मसीह तक मतलब टोटल एक हजार साल का है ठीक है ना अब देखिए आगे फिर कहा जा रहा है कि जो कदीम हिंद दौर है इसको भी साथियों दो हिस्सों में हालांकि कुछ लोगों ने इसको पांच हिस्सों में बांटा है देखिए कदीम हिंद आर्याई दौर को माहिर लिसानियात ने दो हिस्सों में तकसीम किया जिनमें ज्ञानचंद जैन का नाम सर फहरिस्त है आपको यही पूछेगा ज्ञानचंद जैन ने क़दीम हिंद आर्याई दौर को कितने हिस्सों में तकसीम किया तो दो हिस्सों में बाकी लोग तो साथियों पांच हिस्सों में बांटे थे तो कदीम हिंद आर्याई दौर को कितने हिस्सों में बांटा गया दो हिस्सों में एक है आपका वेदिक संस्कृत और दूसरा है क्लासिकल संस्कृत देखिए आप अगर हिंदी मीडियम से पढ़े होंगे तो नहीं पढ़े वैदिक काल वेद का काल वेद टोटल चार हैं यानी चारों वेद जिस दौर में लिखा गया उसको वैदिक काल बोला जाता है और एक है क्लासिकल संस्कृत क्लासिकल का मतलब ही होता है कि जिसमें कुछ साथियों तब्दीली हो गई तो वैदिक संस्कृत ये दो दौर में आपको बांटा गया तो याद रखिये कदीम हिंद आर्याई को ज्ञान चंद जैन ने कितने दौर में बांटा कितने हिस्सों में तकसीम किया दो में एक हो जाएगा वैदिक संस्कृत और दूसरा हो जाएगा आपका क्लासिकल संस्कृत ठीक बात समझ में आ गए उसके बाद देखते हैं क़दीम हिंद आर्याई को डॉक्टर सुदेश्वर वर्मा ने वही दौर को डॉक्टर सुदेश्वर वर्मा ने पांच मंजिलों में तकसीम किया जो मंदरजा जैल है <से> डॉक्टर ज्ञानचंद जैन ने साथियों कदीम हिंद आर्याई को दो हिस्सों में बांटा एक का नाम है वैदिक संस्कृत दूसरा का नाम है क्लासिकल संस्कृत और कदीम हिंद आर्याई को सुधेश्वर वर्मा ने साथियों पांच दौर में हिस्सों में तकसीम किया जो कि मंदरजा झेल है सबसे पहला जो दौर है वह है वेदिक मंजिल क्या वेदिक मंजिल वेदिक मंजिल का मतलब यह होता है कि इस अहद में चार वेद जैसे कि ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद और अथर्वेद लिखे जाते हैं ये चारों वेद जिस दौर में लिखा जाता है उसको साथियों वेदिक मंजिल कहा गया है यानी संस्कृत मजहब की बानी होती है उस वक्त साथियों संस्कृत जो है ना वो मजहब की बुनियाद थी ठीक है ना ये सभी के जबान जो वो संस्कृत है तो पहला क्या हो गया आपका वेदिक मंजिल फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं कदीब हिंद आर्याई दौर को ज्ञानचंद जैन ने दो हिस्सों में बांटा है एक है वेदिक साथियों वेदिक संस्कृत दूसरा है क्लासिकल और अगर आपको पूछ लिया जाए डॉक्टर सुदेश्वर वर्मा ने कितने हिस्सों में बांटा है तो उन्होंने पांच हिस्सों में बांटा है पहला आपका है वेदिक मंजिल ठीक है वेदिक मंजिल वो दौर जिसके अंदर वेद लिखा गया वेद कितने हैं टोटल चार हैं कौन कौन से तो साथियों ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद और अथर्वेद यह जिस दौर में लिखा गया उस दौर को बोलते हैं वेदिक मंजिल और यह कदीम हिंद आर्या की सबसे पहली दौर है इसमें संस्कृत जो है वो मजहब की बानी होती है ठीक है उसके बाद है साथियों पानिनी की मंजिल इस अहद में पानिनी की अष्ट अध्याय और पातंजली की महाभाष्य लिखी जाती है ठीक है इस तरह इस दौर में संस्कृत आलिमों की जबान बन जाती है किसकी जबान बन जाती है आलिमों की जबान बन जाती है दूसरा दौर है कदीम हिंद आर्याई की। एक बार फिर मैं वीडियो को यह करूंगा देखिए अगर क्लियर नहीं दिख रहा ना आप इसका बढ़ाइए रेगुलेशन बढ़ाइए ना हो जाएगा चलिए तीसरा जो दौर है वह है साथियों दौर रिज्म का मतलब क्या होता है रिज्म का मतलब होता है जंगो जेदाल तीसरा दौर क्या है रिज्मिया दौर इसे अदबी मंजिल भी कहा जाता है इसी में भा, महाभारत लिखी जाती है अगर आपसे पूछ ले महाभारत किस दौर में लिखी जाती है तो वो रिजवी मंजिल में ठीक है चौथी चौथी जो साथियों कदीम हिंद आर्या हि, हिंद आर्यायी को जो बांटा गया है वो है दीनवी दीनवी मंजिल दीनवी मंजिल इस दौर में संस्कृत सरकारी जबान बन जाती है और इसका ताल्लुक मजहब से मुनकता हो जाता है ठीक है उसके बाद साथियों फिर पांचवा जो दौर है वो है आपका टकसाली मंजिल क्या है टकसाली मंजिल इस अहद में संस्कृत कवायद नवेशियों के पाबंद होकर ख़ुद को महदूद व महसूर कर लेती है सिद्धि के चक्कर में फंस कर से दूर हो जाती है इसलिए इसके पहलू ब पहलू अवामी बोलियाँ परवान चढ़ने लगती है साथियों एक बार फिर से मैं इन सब चीज़ों को रिपीट करूँगा ताकि आपको चीज़ें याद हो जाए जी देखते हैं क्या मैंने बताया आपको कि साथियों जबान को टोटल आठ खानदानों में बांटा गया उस आठ खानदानों में से जो आर्या लोग हिंदुस्तान आए और हिंदुस्तान में जो लोग बसे उनकी जबान जो थी वो संस्कृत थी क्या थी साथियों संस्कृत थी तो गोया के आर्या लोगों की जबान की इर्तिका के तौर पर जबान को तीन हिस्सों में बांटा गया तीन हिस्सों में माहिर लिसानियात ने तकसीम किया ठीक है ना अब ये जो पहला हिस्सा आता है उसको बोलते हैं कदीम क्या साथियों कदीम हिंद आर्याई क्या कदीम हिंद आर्याई उसके बाद जो साथियों दूसरा हिस्सा है उसको बोलते हैं वस्ती हिंद आर्याई क्या वस्ती हिंद आर्याई और जो तीसरा दौर है उसको बोलते हैं जदीद हिंद आर्याई क्या बोलते हैं जदीद हिंद आर्याई अब याद रखिए कदीम हिंद आर्याई जो है ये 1500 सो कबल मसीह से लेकर 500 सो कबल मसीह तक का दौर है यानी ये टोटल एक साल का कितने साल का है एक साल का आप यहां तक समझ गए कदीम हिंद आर्याई को ज्ञान जैन ने साथियों दो हिस्सों में बांटा कितने हिस्सों में बांटा दो हिस्सों में एक हो जाएगा आपका वैदिक संस्कृत दूसरा हो जाएगा क्लासिकल संस्कृत और अगर बात करें डॉक्टर सुदेश्वर वर्मा के बारे में तो उन्होंने कदीम हिंद आर्याई को टोटल साथियों पांच अदवार में तकसीम किया है ठीक है यह बात भी आप याद हो गया अब आपको चलते हैं वस्ती हिंद आर्याई का दौर दिखाते हैं के साथियों दूसरा दौर है देखिए क्या है आर्याई पांच 500 कबले मसीह से लेकर एक हजार तक का जमाना है समझ रहे हैं बात क्या बोल रहा हूं मैं पांच सो कबले मसीह से लेकर एक हजार देखिए पंद्रह मसीह से लेकर 500 सौ कबल मसीह तक का जो जमाना था ये एक हजार का जमाना ये साथियों क़दीम अब ये 500 500 तक हो गया तो 500 से लेकर एक हजार तक यानी सन एक हजार ईस्वी तक एक हजार ईस्वी तक तो गोया के एक हजार ईस्वी तक अब 500 पहले का लीजिए एक हजार तो ये कितना का हो जाएगा पंद्रह सौ का कितना का हो जाएगा साथियों पंद्रह सौ का पहले कितना का था एक हजार का तो ये हो जाएगा पंद्रह सौ साल का ठीक है तो वस्ती हिंद आर्याई का जो दौर है पांच सौ कबल मसीह से लेकर एक हजार तक का जमाना है जिसे ने खूब के लिहाज से तीन अदवार में तकसीम किया है अब बोल रहा हूं मैं बात आपको नहीं समझ में आ रही होगी शायद पहला जो था कदीम हिंद आर्याई उसको साथियों क्या ज्ञानचंद जैन ने दो हिस्सों में बांटा और सुदेश्वर वर्मा ने पांच हिस्सों में तकसीम किया वस्ती हिंद आर्याई जो के साथियों पांच सौ कबल मसीह से लेकर एक हजार तक का दौर है इसको माहिर लिसानियात ने टोटल तीन हिस्सों में बांटा कितने हिस्सों में बांटा तीन हिस्सों में पहला दौर देखिए पहला जो दौर है यानी उस दौर में भी दौर निकलता है पहला दौर 500 सौ मसीह से मसीह दौर शुरू होने से पहले तक का जमाना है यानी मसीह से लेकर जब एक मतलब ईसवी शुरू हो रहा था उस वक्त का जमाना है इस दौर में पाली आवाम की मकबूल तरीन जबान रही अब देखिए पाली कौन जबान है इसके बारे में आपको आगे बता चलेगा साथियों मगधी को ही पाली बोलते हैं पाली क्या इसके बारे में डिटेल में हम आपको बताएंगे जी आगे बताएंगे पहले आप इतना सा जानिए पहला दौर जो है कबल मसीह से मसीह दौर शुरू होने से पहले तक का ज़माना है इस दौर में पाली आवाम की मकबूल तरीन जबान रही है और उसके बाद साथियों जिसमें जैन मत और बुद्ध मत की तालीमत मिलती है किसे मिलती है ये साथियों 500 सौ कबल मसीह से लेकर मसीह दौर शुरू होने का दूसरा दौर मसीही सन के इब्तदा से पाँच सौ ईस्वी तक का शुरू होता है यानी एक ईस्वी से लेकर 500 सौ ईस्वी तक का दौर शुरू होता है जाहिर सी बात है कि जब 500 सौ कबल मसीह से लेकर साथियों जो वो दौर शुरू हो जाएगा फिर ईसा सलाम के पैदाइश से लेकर 500 साल तक का तो बच गया फिर पाँचे सौ साल ने, तो पाँच सौ साल के बाद से लेकर साथियों एक हज़ार साल तक का तो ये तीन चीज़ें आज हमने पढ़ी है जो चीज़ें हमने आज आपको बताई है उसको एक बार हम रिपीट करेंगे उससे पहले एक अहम जानकारी आपको बता दूँ साथियों मैं आपको एक जानकारी दे दूं उसके बाद हम रिपीट करते हैं ऐसा करते हैं पहले हम इन सब चीज़ों को रिपीट कर लेते हैं और उसके बाद फिर आपको जानकारी देंगे अभी आप बिल्कुल जस्ट पढ़े हैं चीज़ें आपको याद है देखते हैं साथियों आप कितने ढंग से अच्छे ढंग से इन सब चीज़ों को आपने समझा देखिए हमने सबसे पहले ये जाना कि हिंदुस्तान में जो सबसे पहली कौम रहती थी उसको साथियों क्या वो कौन सी नस्ल की थी दड़ावड़ी नस्ल की कौन सी नस्ल की थी दड़ावड़ी नस्ल की और फिर हमने साथियों ये भी जाना कि दड़ावड़ी नस्ल को जब आर्याओं ने यहाँ पर हमला किया तो उसको जुनूब की जानब धकेल दिया और वो आर्या लोग यहाँ पर बस गए आर्या जो कौम थी वो साथियों दो भागों में बटी एक वो थी जो मगरिब की जानिब चली गई और एक वो थी जो यहाँ आ गई मगरिब की जानिब जो आर्या गई उसको किनीटम गिरो ग्रुप बोला गया और जो हिंदुस्तान की तरफ जो आर्या आई उसको साथियों शितम ग्रुप बोला गया हिंदुस्तान की तरफ जो आर्या कौम आई उसकी जबान थी संस्कृत गोया के आर्याई जबान की इर्तका के तौर पर साथियों टोटल जो जबान को बांटा गया किसके तौर पर आर्याई दौर की इरतका के तौर पर जो जबान को बांटा गया वो तीन अदवार में बांटा गया पहला जो दौर था वो दौर साथियों कहलाया कदीम हिंद आर्याई क्या कहलाया कदीम हिंद आर्याई हमें लगता है अब आप लोगों को समझ में आ जाएगा दूसरा दौर जो कहलाया साथियों वो वस्ती हिंद आर्याई क्या वस्ती हिंद आर्याई और जो तीसरा दौर कहलाया साथियों वो कहलाया आपका क्या जदीद हिंद आर्याई क्या कहलाया जदीद हिंद आर्याई यहां पर एक चीज और मैं आपको रिपीट कर दू साथियों ध्यान दीजिएगा पंद्रह सो पंद्रह सो मसीह से लेकर पंद्रह सो कबल मसीह से लेकर साथियों क्या होता है 500 सो कबल मसीह तक का दौर कदीम हिंद आर्याई दौर होता है ये टोटल दौर कितने साल का होता है एक हजार साल का होता है पांच सो कबल मसीह से लेकर क्या साथियों पांच सो कबल मसीह से लेकर ये पांच सो ही होगा पांच सो कबल मसीह से लेकर साथियों क्या होता है जे पांच सो कबल मसीह से लेकर जे एक हजार ईस्वी तक एक हजार ईस्वी यानी इसलम के पैदा होने के बाद तक का जो दौर होता है वो वस्ती हिंद आर्याई होता है गोया के ये दौर साथियों 1500 साल का होता है कितना सौ साल का होता है 1500 साल का उसके बाद फिर हमने पढ़ा जदीद हिंद आई जदीद हिंद जो है वो 1000 के बाद से लेकर 1000 हजार ईस्वी के बाद से लेकर ताहाल यानी अभी तक का जो दौर है वो जदीद हिंद आर्याई कहलाता है अब देखिए थोड़ा सा इसको अब आप आपको मजा आएगा समझने में क्या मैंने बताया कदीम हिंद आर्याई को डॉक्टर जया गया चंद जैन किसने साथियों जैन डॉक्टर ज्ञान चंद जैन ने दो हिस्सों में तकसीम किया और कदीम हिंद आर्यायी को साथियों किस किसने डॉक्टर सुदेश वर्मा ने सुदेश्वर वर्मा ने साथियों कितने भागों में बांटा पांच भागों में बांटा ये बात आप समझ गए दोनों के बारे में समझ गए वस्ती हिंद आर्यायी दौर को साथियों टोटल तीन हिस्सों में तकसीम किया जाता है कितने हिस्सों में तीन हिस्सों में कौन कौन से तो पहला होगा पांच सौ कबले ये कबले मसीह लिख देते हैं पांच बले मसीह से लेकर ईसा आलाम की पैदाइश तक का दौर ये पहला दौर हुआ दूसरा दौर होगा साथियों ईसा आलाम के पैदाइश से लेकर यानी एक ईस्वी से लेकर 500 सौ ईस्वी तक का दौर और तीसरा जो दौर है वो है साथियों 500 सौ ईस्वी से लेकर साथियों कहाँ एक हजार ईस्वी तक का दौर ये तीन दौर में बस्ती हिंद आर्याई को बांटा गया एक बार फिर मैं आपको रिपीट करता हूं ताकि चीजें आपको याद हो जाए साथियों 2500 सौ कबल मसीह आर्या कौम यहां पर आई और उन्होंने दड़ावड़ी खानदान के लोग जो यहां पर रहते थे उनको साथियों दरकिनार किया जुनूब के जानब धकेला वो लोग हिंदुस्तान पर काबिज हो गए आर्याई का दो ग्रोह था एक गुरु जो मगरिब की जानब गया उसको साथियों क्या जे उस गिरोह को जो मगरिब की जानब गया उसको कहा गया किनीटम गिरोह ग्रुप जो कि यूरोप की यूनानी जुबान और लातनी और जर्मनिक बोलने लगी और वो कौम जो मशिक की जानब आई उसको साथियों शितम ग्रुप बोला जाने लगा जो बाद में फारसी और आर्याई कौम की वो शाखें जो हिंदुस्तान में आई उसको साथियों उसकी जो जबान थी वो संस्कृत थी गोया के आर्याई कौम की जो जबान संस्कृत थी उसके इर्तिका के तौर पर उसके फ़रोग के तौर पर उसके विकास के तौर पर माहिर लिसानियात ने इसको तीन अदवार में बांटा है। किसको जे किसको साथियों हिंद आर्य ये आर्याई कौम की जो जबान है उसके बाद तीन अदवार में पहला जो है वो आपका कदीम हिंद आर्याई दौर है जो कि 1500 सौ कबल मसीह से लेकर 500 सौ कबल मसीह तक टोटल एक हजार साल का दौर है उसके बाद दूसरे नंबर में आपका है वस्ती हिंद आर्याई दौर जो कि 500 सौ कबल मसीह से लेकर साथियों एक हजार ईस्वी तक का दौर है जो कि 1500 साल का दौर है उसके बाद जदीद हिंद आर्याई दौर जो है वह एक हजार ईस्वी से लेकर

पहला जो दौर है वो पाँच सौ कबल मसीह से लेकर ईसा आसमाम के पैदाइश तक का दौर उसके बाद है फिर एक ईस्वी से लेकर पाँच सौ ईस्वी तक का दौर फिर तीसरा है पाँच सौ ईस्वी से लेकर एक हजार ईस्वी तक का दौर तो अभी जो मैंने आपको पढ़ाया है ना ये यहीं तक पढ़ाया अब मैं आपको जो कल पढ़ाऊंगा उसमें पराकृत अपभ्रंश क्या होता है और ये कैसी जबान है पाली कैसी जबान है इसके बारे में डिटेल में पढ़ाऊंगा पूरा तीन लेक्चर सुनिए ये पूरे के पूरे आपको समझ में आ जाएगा और इन शाह हम आपको जबानी याद करा देंगे बताइए कि आपको कितना अच्छा लगा क्लास समझ में चीजें आ गई कोई ऐसे साथी हैं जिसको नहीं समझ में आया हो ये पहला क्लास है साथियों अब सुनिए मेरी बात डी त्रिपल एस बी की जो लोग तैयारी कर रहे हैं या फिर यूपी टीजीटी टी के लिए तैयारी कर रहे हैं या फिर आप एनवीएस के लिए तैयारी कर रहे हैं आपके लिए यूजफुल है ये पहला क्लास है आपका ठीक है ना इसी तरह क्लास चालू हो जाएगा धीरे धीरे इसी तरह क्लास बढ़ता रहेगा ऑलरेडी साथियों सत्तर से चौहत्तर वीडियो हमने जो है ना अफसाना नावल ड्रामा इस पर बना रखा है उसका लिंक दे देंगे जो लोग ग्रुप में जुड़े हुए हैं आप अपने वक्त में खाली जब हों वो सब वीडियो को देखिए दास्तान किरदार वगैरह आप याद कीजिए वहाँ से भी आप क्लियर होइए बाकी डेली नौ बजे रात में हम आपको साथियों ये क्लास देंगे जो कि पहले हम चाहते हैं लिसानियात मुकम्मल करना उसके बाद तनकीद मुकम्मल करना जो कि हार्ड हार्ड टॉपिक है ताकि ये टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा तो यकीन मानिए यू नेट भी आपका निकल जाएगा बहुत आसान

बताइए और किसी को कुछ पूछना है जी ग्रुप में डाल देंगे लेकिन आपको ग्रुप में जुड़ने के लिए इस नंबर पे कांटेक्ट करना का होगा और कुछ आपको साथियों इसका फी लगता है हमारे पैड मेंबर के जो ग्रुप होते हैं उसमें नोट्स जाता है क्लास जाता है टेस्ट वगैरह जो है वो सब उनके लिए होता है जी ठीक है और किसी को कुछ पूछना है सर जी रीट तैयारी कब कराओगे रीट का तो एग्जाम हो गया ना अरे एक बार रिप्लाई किए हैं बहुत सारा मैसेज आता रहता है ना एक बार किए हैं फिर दोबारा ट्राई कीजिए एक बार कॉल किए दोबारा ट्राई कीजिए क्या दिक्कत है हमें जब सीखना है तो सीखने के लिए साथियों तो लोग कहाँ से कहाँ चले जाते हैं जी आपको किसी से बात करनी होती है तो तीन बार चार बार कॉल नहीं लगाते उसी तरह इसमें भी लगाइए ट्राई कीजिए क्या दिक्कत है पढ़ने में जितने आपके दिल में उमंग होगा जितने आपके दिल में चाहत होगा जितने आपके दिल में तड़प होगी उतना जल्दी साथियों आपको इल्म आएगा ठीक है ना ठीक है साथियों चलिए वो सारी जानकारियां आपको इसमें मिल जाएंगी ठीक है चलिए बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू साथियों मिलता हूं फिर आपसे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा चैनल को जरूर सबस...